इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फ़ोन से किसी को मेल भेज सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है मेल भेजना तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और हमारा वीडियो आप देख पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेल भेजने के लिए आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, जो आपके पास होगा ही अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं या कोई भी स्मार्टफोन अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास ईमेल आईडी होगा ही। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे मेल भेज सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जीमेल का, जो फ़ोन के साथ डिफ़ॉल्ट आता है, आपके फ़ोन में भी होगा। तो इसमें आप जीमेल आईडी अगर आप लॉगिन किए होंगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी सारे मेल जो आपको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, वो सारे मेल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास मल्टीपल ईमेल आईडी हैं, जैसे एक से अधिक आपके पास ईमेल आईडी हैं, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ईमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करके यहाँ से आप ईमेल आईडी अगर लॉगिन किए होंगे तो सारे ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो ऐड अनदर अकाउंट पर करके आप दूसरा ईमेल आईडी को इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर नया ईमेल आईडी आप बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करें कि मेल को कैसे भेजना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पेंसिल का एक आइकन है, इसमें कंपोज लिखा हुआ है। तो किसी को मेल भेजने के लिए आपको ये फीचर का इस्तेमाल करना होगा। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए पेन वाले आइकन पर। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर में देख रहे हैं फॉर्म का एक ऑप्शन है, इसमें आपका ईमेल आईडी डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ये ईमेल आईडी आप ही का होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये ईमेल आईडी नहीं, हम दूसरे ईमेल आईडी से किसी को मेल भेजें, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जितने ईमेल आईडी आपके फ़ोन में होंगे सारे ईमेल आईडी यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चुन सकते हैं कि कौन ईमेल आईडी से हम किसी को मेल भेजेंगे। तो चलिए हम इसी को यहाँ पर रहने देते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद का ईमेल आईडी यहाँ पर चुनना होता है। उसके बाद यहाँ पर टू में देख रहे हैं, तो यहाँ पर जिसको आप भेजना चाहते हैं वो ईमेल आईडी, उसका ईमेल आईडी यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पर भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर भर देते हैं। तो जब भी उसका सेकेंड पर्सन का ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो जैसा कि हमें इस ईमेल आईडी पर हमको मेल भेजना है तो ये ईमेल आईडी हम पर ऐड कर दिए। याद रखिएगा, जो फ्रॉम में होगा वो आपका ईमेल आईडी होगा और जो टू में होगा वो सेकेंड पर्सन का होगा, जिसको आप भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद तो ईमेल आईडी को ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी आपको भर देना है, जो भी आपका ईमेल जिस पर वो आधारित होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कोई भी एग्जांपल के लिए यहाँ पर भर देते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सब्जेक्ट में बिजनेस भर दिया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि टाइटल होता है जो सब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कंपोज ईमेल पर जो भी आपको लिखना है, जो भी अगले मेंबर को आपको भेजना है वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो चलिए इसको हम डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। तो जो भी आपको लिखना होगा आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया, मैंने एग्जांपल के लिए हाय आई एम आकाश हाउ आर यू, तो कुछ इस तरह आप यहाँ पर भर सकते हैं। जो भी आपको लिखना होगा आप यहाँ भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसके साथ कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, जैसे पीडीएफ या इमेज कोई भी अगर आप इसमें अटैच करना चाहते हैं इसके साथ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप टैप कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में अटैच फाइल का एक ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए अटैच फाइल पर। तो ये गैलरी ओपन हो जाएगा जहाँ से आप फोटो को ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर आप थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा। यहाँ से आप फाइल मैनेजर पर क्लिक करके अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या पीडीएफ है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम चलिए यहाँ पर हम कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर कोई भी फाइल हम, तो जैसे कि हमें हमारे पास एक ये फ़ोटो है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं ओके का ऑप्शन है, तो ओके पर हम क्लिक करेंगे तो वो इसके साथ अटैच हो गया। जैसा कि आप ऊपर में देख रहे हैं हमने यहाँ पर लिखा था हाय आई एम आकाश हाउ आर यू, उसके साथ ये फाइल अटैच हो गया है जो इमेज है। तो इस तरह आप अटैच कर सकते हैं फाइल को। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप कितने सारे वर्ड्स में यहाँ लिख सकते हैं, जो भी इसका लिमिट होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, आप जितना आपको चाहिए उतना आप लिख सकते हैं मेल भेजने के लिए। और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी जिसके बारे में आपका ईमेल होगा वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिसको आप भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी होगा और सबसे ऊपर में आपका ईमेल आईडी होगा। उसके बाद भेजने के लिए यहाँ पर एक देख रहे हैं एक बटन है ब्लू कलर का, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये नीचे सेंट हो गया है,
उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं उसके पास पहुंचा या नहीं, मतलब सेंट हुआ या नहीं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थ्रीलांस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेंट का, तो आप सेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिसीव हो चुका है, मतलब हमारा जो ईमेल जो है इसी ईमेल आईडी पर चला गया है। उसके बाद हम यहाँ पर टैप करेंगे इसको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं खोल करके, तो हमारा देखिए यहाँ पर कुछ है। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप गूगल ड्राइव में इसको ले सकते हैं इमेज को। तो कुछ इस तरह आप अपने फ़ोन से किसी को मेल भेज सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ईमेल कैसे भेजा जाता है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।